अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों, अगर आप छुट्टी जाना चाहते हैं या फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं तो आपके एकामा पे या आपके पासपोर्ट पे कितना टाइम होना जरूरी है तभी आपका छुट्टी लगेगा या तभी आपका फाइनल एग्जिट लगेगा। और काफ़ी लोगों का सवाल ये भी रहता है कि भाई अगर हम छुट्टी पे जाते हैं और जब छुट्टी पे हम चले जाएँ तो क्या हमारा कफील हमारा छुट्टी कैंसिल कर सकता है या फाइनल एग्जिट लगा सकता है या हुरूप लगा सकता है, क्योंकि काफ़ी लोगों को डर होता है कि मेरा कंपनी या मेरा कफील छुट्टी भेजने के बाद मेरा छुट्टी कैंसिल कर देगा या फाइनल एग्जिट लगा देगा ताकि ये दोबारा सऊदी अरब ना पाए, नहीं तो मुझे इनका एंड ऑफ सर्विस हिसाब होता है वो देना पड़ सकता है क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे यहाँ पे काम किया है। तो ये भी सवाल क्लियर करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों का सवाल आ चुका है। और जो लोग भी इमरजेंसी छुट्टी जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या कानून है, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि मौसम के हिसाब से कानून भी बदलता रहता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि आपकी वजह से और लोग भी इसके बारे में जान सके। तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया सबसे पहले लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा के लिए ऑल पे क्लिक करके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जान सके हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, काफी लोगों का सवाल होता है कि भाई हमें छुट्टी जाना है 2 महीने का 3 महीने का लेकिन मेरे एकामा पे टाइम बहुत कम बाकी है तो क्या ऐसा हो सकता है। और उसके बाद काफी लोगों का सवाल ये रहता है कि भाई मेरे पासपोर्ट पे कितना टाइम होना चाहिए ताकि मुझे छुट्टी या फाइनल एग्जिट लगाया जा सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं फाइनल एग्जिट के बारे में, अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर है तो आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा, आपको पासपोर्ट रिन्यू करवाना होगा। अगर आपके पासपोर्ट पे 1 महीना टाइम है तो फिर आपका भी फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा, 60 दिन से ज़्यादा होना चाहिए यानी 2 महीने से ऊपर होना चाहिए तभी आपका फाइनल एग्जिट लग सकता है, क्योंकि फाइनल एग्जिट लगने के बाद सऊदी अरब में 60 दिन तक रुकने का अलाव है तो उसी हिसाब से आपका पासपोर्ट भी 60 दिन वैलिड होना चाहिए तभी आप रुक सकते हैं, नहीं तो आपका फाइनल एग्जिट लग जाएगा। उसके बाद आप 60 दिन तक रुक सकते हैं उसी एकामा पे, लेकिन आपका पासपोर्ट एक्सपायर है तो फिर नहीं होगा। तो आपका जो पासपोर्ट है उस पर कम से कम 2 महीने से ज़्यादा टाइम होना चाहिए तभी आप फाइनल एग्जिट लगा सकते हैं। अगर छुट्टी जाना चाहते हैं तो आपका पासपोर्ट कम से कम 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए तभी आप छुट्टी लगवा सकते हैं, छुट्टी लग सकता है। अगर सऊदी है, अगर वो सऊदी अरब से बाहर जाना चाहता है घूमने के लिए किसी काम के लिए, तो उन लोगों के लिए 3 महीने का टाइम है, 3 महीने तक उनका पासपोर्ट वैलिड है तो जा सकता है और आ सकता है। और जो लोग भी अपना पासपोर्ट नया बनवाते हैं तो उन लोगों के लिए जरूरी होता है कि अपना नकल मालूमात करवा लें, नहीं तो फिर आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ यह हादसा हो चुका है। तो जब भी आप नया पासपोर्ट बनाते हैं तो अपने कफील को बोलकर कंपनी को बोलकर अपना नकल मालूमात करा लें, क्योंकि ये लोग अपने अफसर आईडी से कर देता है। उसके बाद हम बात करते हैं जिन लोगों के एकामा पे 30 दिन बाकी है लेकिन वो 2 महीने का छुट्टी लगाना चाहते हैं तो नहीं लग सकता है, 30 दिन का आप छुट्टी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप चले जाते हैं और आपका कफिल आपका एकामा का टाइम बढ़वा देता है, रिन्यू करवा देता है, तो फिर नया छुट्टी लगवा सकते हैं यानी फिर से आप अपना छुट्टी घर जाकर भी बढ़वा सकते हैं। काफ़ी लोग ये काम करते हैं, बहाना बनाकर छुट्टी अपना बढ़वा लेते हैं, तो आप भी इस तरह से बढ़वा सकते हैं। अगर आपके एकामा पे 2 महीने टाइम बाकी है तो 2 महीने का छुट्टी लग सकता है, अगर आपके एकामा पे 1 साल का टाइम बाकी है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बार में 6 महीने का छुट्टी लगवा सकते हैं, उससे ज़्यादा एक बार में नहीं लगेगा। और जो लोग भी इमरजेंसी छुट्टी जाना चाहते हैं यानी कोई हादसा हो गया, कोई परेशानी आ गई तो इमरजेंसी छुट्टी जाना पड़ता है, तो इसके बारे में सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये कानून है, आप 1 साल में 21 दिन की छुट्टी ले सकते हैं और आपको टिकट भी मिलेगा। तो फाइनली हम बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग भी छुट्टी जाना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि भाई मुझे हिसाब नहीं मिला है लेकिन मुझे छुट्टी भेज रहा है, ऐसा ना कि मेरा छुट्टी कैंसिल कर दे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो लोग भी छुट्टी पे जाते हैं जब तक आपका छुट्टी वैलिड रहेगा तब तक आपका कफील कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सवाल जवाजात से पूछा गया था तो जवाजात ने इसका रिप्लाई दिया था, अगर आपके पास एग्जिट रेंट्री वीज़ा यानी छुट्टी का वीज़ा लगा हुआ है तो दूसरा कोई भी वीज़ा नहीं लग सकता है यानी फाइनल एग्जिट नहीं लग सकता है, हुरूप नहीं लगा सकता है आपका कफील। तो आप जब तक छुट्टी पे टाइम है, जब तक आप अपने देश में रह सकते हैं, तो छुट्टी एक्सपायर होने से पहले आप कभी भी सऊदी अरब में एंटर कर सकते हैं, आपका कफील या आपका कंपनी टिकट दे या ना दे अपने टिकट से भी सऊदी अरब में आप एंट्री कर सकते हैं और उसका कागज पकड़ कर आप हिसाब ले सकते हैं कि भाई मेरा हिसाब दो क्योंकि तूने टिकट नहीं भेजा, बहानाबाजी किया कि मैं टिकट भेज रहा हूँ थोड़ा सब्र करो। तो ये लोग छुट्टी एक्सपायर होने का इंतजार करते हैं ताकि ये लोग दोबारा वापस ना पाए, यानी कई कंपनी ऐसा करती है, तो आप अपना टिकट लेकर सऊदी अरब में एंटर कर सकते हैं, उसके बाद आप यहां से जा सकते हैं। अगर आप छुट्टी पे जाते हैं और आपका छुट्टी एक्सपायर हो जाता है तो
तो फिर आप लोगों के लिए मुसीबत बन जाती है। जब तक आपका छुट्टी वैलिड है उसी के अंदर आपको सऊदी अरब में एंट्री करना है, नहीं तो आप एंट्री भी नहीं कर सकते हैं। और किसी और जगह पे जाना चाहते हैं यानी उसी देश में जाना चाहते हैं, सऊदी अरब में आना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों के लिए 3 साल तक पाबंदी लग जाएगा। 3 साल तक आप सऊदी अरब में किसी और कंपनी में नहीं आ सकते हैं। अगर वही कफील वही कंपनी नया वीज़ा देता है तो आप सऊदी अरब में आ सकते हैं, नहीं तो नहीं आ सकते। ये कानून है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।